हाय दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका भाई फिर आप लोग के लिए एक नया वीजा नई कंट्री के साथ लेके आया है। ये वीजे के बारे में जानने के लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, बीच में वीडियो स्किप ना करें। अगर बीच में वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोग को फुल डिटेल पता नहीं चलेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। और ये वीजा जो है सऊदी अरबिया का, ये वीजा भी सऊदी अरबिया का है, तबुक का है। तबुक सऊदी अरब के अंदर जगह है, उसी का वीजा है ये। और इसके अंदर एक ही वैकेंसी है ग्रिल वेल्डर की। तो जो बंदे ग्रिल वेल्डर हैं, ग्रिल वेल्डर का काम जानते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और 1500 सैलरी है, ग्रिल वेल्डर है, 1500 सैलरी है इसकी। तबुक का काम है, जो बंदे ग्रिल वेल्डर में, वेल्डर तो बहुत से हैं, 3G वेल्डर, 2G वेल्डर, मेरे को उतना मालूम नहीं वेल्डर वेल्डर के बारे में भाई। तो जो बंदे अगर ग्रिल वेल्डर है तो मेरे नंबर पर SMS करें, मैं उनका काम इसके अंदर करवा दूंगा, उनका काम हो जाएगा। और सऊदी का वीजा है, सऊदी का काम फटाफट होता है, कोई चीटिंग कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से आप लोग चले जाएंगे। तो जो जाने वाले हैं, इंटरेस्टेड बंदे हैं, वो मेरे नंबर पे SMS कर लें और अपना काम करा लें भाई। वो तो ठीक है भाई, ये वीजे के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बस आप लोग को अपना PDF भेजना है। और PDF भेज के और मैं CV आगे सेंड करूंगा, आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यही इसमें नीडेड वीडियो मांगेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेल्डर वेल्डर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो आप लोग को एक नीडेड वीडियो, मतलब वीडियो बना के अपना काम करते हुए भेजना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन होकर आप गमका मेडिकल करा लेंगे, पासपोर्ट सेंड कर देंगे। और अगर आप इसमें अगर एडवांस मांगता है तो एडवांस देंगे, नहीं मांगेगा तो नहीं। क्योंकि भाई मैं अपने पास से नहीं मांगता, बहुत से बोलते हैं भाई एडवांस आप मांग रहे हैं ये, तो मेरे को भाई मैं आपको एडवांस खाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ऑफिस वाले मांगते, तब मैं बोलता हूँ कि हाँ आप इसमें एडवांस देना पड़ेगा। अभी मेरे पास सऊदी अरबिया की वैकेंसी 700 सैलरी है, उसमें एडवांस कुछ नहीं है, बस पासपोर्ट और गमका मेडिकल आपको करा के भेजना, हो जाएगा काम उसमें। अगर कम बोलेंगे लोग कि भाई 700 सैलरी में कौन जाएगा, ये वो कंपनी का काम है और हॉस्पिटल का काम है, क्लीनर का, क्लीनर में अच्छा कमाई होती है। तो भाई अगर वैसा कोई वीजा तो उसी ऑफिस वाले बिना एडवांस का काम नहीं करता, तो भाई क्या करूंगा मैं? अभी मेरे पास ये वैकेंसी है, इसमें एडवांस का कोई चक्कर नहीं, हो रहा है डायरेक्ट काम। अब ये जो आया है वैकेंसी, जो ग्रिल वेल्डर की 1500 सैलरी है, अब इसमें अगर मांगेगा एडवांस तो मैं देना पड़ेगा, नहीं मांगेगा तो मैं अपने पास थोड़ी रखने के लिए मांगूंगा कि आप एडवांस भेज दीजिए, पासपोर्ट गंगा मेडिकल दे दीजिएगा, हो गए, हो जाएगा काम आपका, अगर आपको कराना होगा तो। यही सब चीज है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग से एडवांस मांग रहा हूँ तो मैं, मेरे को पैसा रखना है या मैं पैसा खाने के लिए मांग रहा हूँ। आप इसमें मांगते हैं प्रोसेस के लिए, प्रोसेस लगाएंगे तभी ना काम होगा। बहुत से बंदे भाग जाते हैं भाई, ऐसा हो चुका है। आप लोग बहुत से बंदे बोलते नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, मगर हुआ है भाई, हम लोग के साथ खुद हुआ है। मैं तीन तीन चार चार बंदों का ऑफर लेटर निकालाया, वो लोग भाग गए, वीजा निकला एक बंदे का, भाग गया कुवैत का। तब क्या करूंगा, उसको पकड़ूंगा मैं जाके? ऑफिस का तो वीजे का पैसा भरना पड़ेगा ना, मेरा कितना नुकसान हुआ, मगर किसी को बताऊंगा तो बिलीव थोड़ी करेगा वो। इसके लिए ऑफिस वाले मांगते हैं, वो लोग सही करते हैं भाई, क्योंकि जो सीरियस है वो देगा बंदा। और अच्छी ऑफिस से अगर काम हो रहा है तो डरने की क्या जरूरत है, आपका पैसा थोड़ी खा लेगा। इतनी बड़ी ऑफिस खोल के बैठी, लाइसेंस लिया है तो आपका 10-20 हज़ार खा के वो राजा बन जाएगी, अपनी रेपुटेशन खराब करेगी वो। ऐसा कुछ नहीं भाई, एडवांस लेते हैं लोग तो काम कराते हैं। अब ये जो है 1500 सैलरी का ग्रिल वेल्डर का जो काम है, इसके अंदर मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को पूछना पड़ेगा। अगर एडवांस का कुछ है चक्कर तो मैं बताऊंगा आप लोग को, अगर नहीं है, अगर बताएंगे हाँ ठीक है गमका मेडिकल ओनली, और पासपोर्ट सेंड करेंगे आपका काम हो जाएगा, और वीडियो अपनी, तो मैं इसमें करवा दूंगा, आपका वीजा आ जाएगा, फिर पैसा दीजिएगा। अगर बोलेंगे कि नहीं 10 हज़ार तक कम से कम पेमेंट करना है, तो फिर आपको करना पड़ेगा, तभी काम होगा, इसे नहीं हो पाएगा। जो बंदे करवाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, पैसा देंगे, बिलीव होगा तो कराएंगे, जिसको नहीं होगा वो नहीं कराएगा, क्या मुश्किल है भाई? सबकी अपनी अपनी मर्जी, अपना कहीं से भी करा सकता है, बहुत सी आप इसे कराने के लिए, ये तो है नहीं कि बस आप लोग मेरे से करवाइए काम। अभी बंदे हैं कुछ बोलते हैं भाई फेक है ये, आपका नंबर शो नहीं कर रहा है तो आप फेक है, आप फ्रॉड है, ये है वो। तो भाई अभी तो आप, अभी तक तो मैं किसी का पैसा 1 रुपया खाया नहीं, कोई बोल भी नहीं सकता मेरे को कि मेरा कोई पैसा खाया है। तो फ्रॉड और चीट बोलने से कुछ फायदा नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई मेरे को, मेरा काम जो है चलता रहेगा, और मैं फ्रॉडगिरी क्यों करूंगा भाई? मैं तो खुद काम करता हूँ, अच्छा खासा मेरी सैलरी है, ऐसा नहीं है कि मैं जॉबलेस मैं डिपेंड हूँ ओनली बस एजेंट का काम करने के लिए, तो मैं फ्रॉड करूंगा, पैसा कमाऊंगा, मैं पैसा कमा रहा ऑलरेडी। आ गया कोई बंदा तो उसका काम करा दूंगा मैं, और नहीं आया तो कोई कि मैं वो मेरे को कोई फर्क नहीं है कि कोई नहीं आएगा तो मैं उसका जाके बोलूंगा नहीं भाई चलो करा दो अपना काम, तो मेरे को पैसा खाना है वो, ऐसा कुछ नहीं, बस आपकी हेल्प करने के लिए इधर हूँ मैं। अच्छा ऑफिस मिलती है तो अच्छा काम कराता हूँ, बहुत से बंदे भटक जाते हैं इधर उधर, उन्हीं के लिए बस मैं ये चैनल खोला हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है नॉलेज नहीं है उनके, बहुत से जो चालाक जो बहुत बनते हैं ना भाई, वो लोग ही फंसते हैं जाके, और जो लड़के हैं जो बेचारे इधर उधर फंस जाते हैं, कोई अच्छे एजेंट के चक्कर में नहीं, कोई गलत एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। एजेंट सब वैसा नहीं है, एजेंट सब 100 अगर एजेंट है, अगर 10 खराब कर दिया, 5 अगर कोई खराब कर दिया तो पूरा बदनाम होता है। इसके लिए लाइन ऐसी है, बदनाम होता है आदमी, में क्या करेगा, काम ही ऐसा है।
तो इसके लिए मैं चैनल खोला हूँ कि जो बंदे गरीब हैं और परेशान रहते हैं बेचारे, वो लोग हेल्पर सेल्पर में जा नहीं पाते, उनका पैसा डूब जाता, उनके लिए मैं ये चैनल खोला हूँ कि अच्छी आप इस पकड़ाऊँ, काम से कम सैलरी मिलेगी मगर उनका परफेक्ट काम कराऊंगा, और जाएंगे बंदे काम भी करेंगे कमाएंगे भी, उन्हीं लोग के लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ हेल्प करने के लिए। कोई फ्रॉड और चीट करने के लिए नहीं बनाया हुआ है चैनल, कि बहुत से बंदे बोलते हैं फ्रॉड है ये, एक काम करवाए नहीं है बोल दिए फ्रॉड, और उनके ऊपर वैकेंसी भेजो चार्ज बताओ तो खुद भाग जाते हैं वो सुन के, बस बोलेंगे भाई यूरोप भेज दो हमको, और यहाँ रोमानिया भेज दो, रशिया भेज दो, यूके भेज दो, चार्ज जब बताओ ना तो भागते हैं भी तुरंत, और फिर पता भी नहीं चलता कहाँ गए, उनका व्हाट्सएप भी नहीं नजर आता है, ना रिप्लाई देंगे ना कुछ भी, कोई उनकी डिटेल नहीं मिलेगी, सब खत्म हो जाएगा, भाग जाएंगे वो। तो ऐसे ऐसे बंदे वस्ते बोलना जानते हैं, टेलर बनाना आसान होता है भाई, जब निकलेंगे आप ना तब समझ में आएगा दुनिया कैसी है। तो खाली मुंह से बोलने से, घर पे बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता, हम लोग भी दौड़े हैं निकले हैं भाई, हम लोग भी 1,000 सैलरी पे गए थे सऊदी, और 3 साल काम करके आए वहाँ 1,000 सैलरी पे, हेल्पर में गया था मैं 3 साल में सऊदी में, 1,000 सैलरी पे काम किया मैं गया था, कितना लगा के गया था 1 लाख लगा के गया था, बोलेंगे आप लोग की झूठ बोल रहा है मगर लगा था भाई मेरा 1 लाख रुपया। अभी भी मैं बोर नहीं भी आया हूँ ना, मैं इंटरव्यू दिया फिर भी एजेंट मेरा पैसा कहा 90,000 मैं दे के आया हूँ, तो पैसा लगता है, ऐसा नहीं होता फ्री में काम हो जाता, मैं आया हूँ अभी अच्छी जगह मिल गया, मैं इंटरव्यू दिया हो गया। तो आप लोग तो क्या, आप लोग इंटरव्यू देने भी नहीं जाएंगे, बोलेंगे सीवी सिलेक्शन करा दो, और उसमें भी सीवी सिलेक्शन होगा तो बोलेंगे कंपनी का नाम क्या है, तो कितना चार्ज है, ये है, बस पूछते रहिए आप लोग भाई, जिसका काम है पूछना पूछता ही रह जाएगा वो, और जो जाने वाला बंदा रहेगा वो चला जाएगा, बहुत से बंदे अभी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और जो बंदे घर पे बैठ के सोच रहे हैं कि जाऊं कि नहीं जाऊं क्या करूं ये है, वो सोचते ही रह जाएंगे हम बैठ के घर पे। चलिए ठीक है, आज के लिए तो नहीं है, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो सब नई वैकेंसी के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, ओके बाय।